नमस्कार दोस्तों, रियल मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। मतलब एक पिता जो है अपने 3 संतानों के बीच जो है अपने संपत्ति का जो है बंटवारा करता है किस रूप में, तो अनुपात के रूप में। तो यहाँ देखिए अनुपात क्या है, तो 1:2:3। और सर आगे देखिए, और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। मतलब वो पिता जो है अपने लिए 1,00,000 रुपया जो है रख लेता है और बाकी का जो है 3 भाग बांट देता है, और जो कि अनुपात में है, किस अनुपात में है, तो 1:2:3 के अनुपात में है। अब सर आगे देखिए, यदि उसकी कुल संपत्ति 2,50,000 रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो क्वेश्चन बोला गया है कि अगर उस पिता का जो है कुल संपत्ति 2,50,000 रुपया है तो प्रत्येक संतानों को जो है हिस्से के रूप में क्या मिला वो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए हल, यहाँ पर जो है मान लेते हैं, यहाँ देखिए माना कि पहली संतान दूसरी संतान तथा तीसरी संतान को हिस्से के रूप में जो है क्या क्या मिलेगा, तो एक्स रुपया मिलेगा, कॉमा 2x रुपया और 3x रुपया मिला। तो जैसे कि यहाँ पर जो है बंटवारा जो है अनुपात के रूप में हुआ है, इसीलिए जो है हम मान लिए हैं कि एक्स रुपया जो है पहली संतान को मिला है, दूसरी संतान को 2x रुपया मिला है और तीसरी संतान को जो है 3x रुपया मिला है। और जब इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो ये एक्स एक्स जो है हट जाएगा। अब चलिए इसके बाद जो है प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार जो है पिता के पास कुल कितना संपत्ति है, तो 2,50,000 रुपया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार पिता के पास कुल संपत्ति बराबर कितना, 2,50,000 रुपया। 2,50,000 रुपया मतलब 2,50,000 रुपया। अब देखिए ये पिता के पास जो कुल संपत्ति है उसको जो है 3 भागों में बांटा गया, किस रूप में, तो अनुपात के रूप में। उसको हम माने हैं x, 2x और 3x, ये तीनों संतान को जो है इस रूप में मिला है पैसा। और पिता जो है अपने पास 1,00,000 रुपया भी रखता है, तो अगर हम इसको 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 और इस 1,00,000 को जोड़ दें तो उस सब का जोड़ जो है किसके बराबर आएगा, तो पिता के पास कुल संपत्ति के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, देखिए इसीलिए एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1,00,000 बराबर क्या होगा, तो 2,50,000, 2,50,000 रुपया। अब ये देखिए x प्लस 2x प्लस 3x क्या होगा, तो 6x बराबर, इसको इस साइड लेके जाते हैं तो क्या होगा, 2,50,000 माइनस 1,00,000। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 6x बराबर होगा 2,50,000 में से अगर हम 1,00,000 घटा देते हैं कितना बचता है, तो 1,50,000 बचता है, तो 1,50,000, 1,50,000। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा 1,50,000, 1,50,000 बट्टा 6। इसको जो है इस साइड लेके आएंगे, ये इस साइड गुना में है, तो जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो वो भागा मार जाएगा। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा, यह देखिए अगर हम 1,50,000 पे 6 से भाग देते हैं तो वो आता है 25,000। तो x वैल्यू क्या आ गया, तो 25,000 आ गया। तो फाइनली अगर हम संतानों के हिस्से के रूप में लिखें तो देखिए क्या होगा, अतः पहली संतान को हिस्से के रूप में कितना मिलेगा, तो एक्स रुपया मतलब 25,000 रुपया। 25,000 रुपया
कौमा दूसरी संतान को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा, तो हिस्से के रूप में 2x, मतलब 2x मतलब क्या होगा, तो 2 × 25,000, तो आप लिखेंगे 2 × 25,000 मतलब 50,000 रुपया तथा तीसरी संतान को हिस्से के रूप में कितना मिलेगा, तो 3x मतलब 25,000 × 3 मतलब क्या होगा, तो 25,000 × 3 75,000 रुपया मिला। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखे हैं कि अतः पहली संतान को हिस्से के रूप में 50,000 रुपया, दूसरी संतान को हिस्से के रूप में कितना, तो 50,000 रुपया तथा तीसरे संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, तो 75,000 रुपया मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी तो इतना ही, इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।